बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत ही कमाल की जॉब्स लेके आया हूँ जो कि कतर और सऊदी अरबिया की बड़ी मशहूर मरूफ और मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ से हैं। वीडियो में आगे चल के आपको उनकी सारी डिटेल्स बता देता हूँ। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं डेली किसी न किसी कंट्री की जॉब्स अपलोड करता रहता हूँ ताकि आपको डेली की वीडियो आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हमारा जो मकसद है वो आप भाइयों की हेल्प करना। हम जितनी भी जॉब्स आपके लाते हैं वो 100% ग्रांटेड होती हैं, किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होता। सबसे पहले हम इश्तिहारात की तस्दीक करते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप भी तस्दीक करना चाहते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही कमाल की कंपनीज़ हैं जिनकी तरफ से, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनीज़ हैं जिनकी तरफ से मैं आज जॉब्स लाया हूं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बहुत ही लेटेस्ट जॉब जो आज के दिन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस हुई है, देखना चाहते हैं तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर गूगल करके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं www.ilmkarrier.com। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये स्टील फैब्रिकेटर्स की बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो जॉब्स हैं, और भी पोस्टें हैं इसके अंदर। दुबई एयरपोर्ट जॉब भी आई थी, रेस्क्यू 112 की जॉब्स आई थी। इसके जो है वो जो लास्ट डेट है वो तकरीबन 13 से 14 दिन बाकी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये इश्तिहार कतर की तरफ से है। इंजीनियर्स चाहिए, सिस्टम कंट्रोल SCE इंजीनियर चाहिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आपके पास BSc इंजीनियरिंग है या BTech इंजीनियरिंग है प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 7,000 तक सैलरी है। इसके अलावा जो है वो नीचे इनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, उसके बाद एड्रेस भी लिखा हुआ है और CV के लिए जो है मेल भी लिखा हुआ। और जब भी आपने CV मेल करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि वो मेल आपने इंटरनेशनल जो फॉर्मेट है CV पहले बना लेनी, उसके बाद आपने सेट करना है। दोस्तों, चंद दिन पहले कुछ दार इंजीनियरिंग, जिस तरह पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है कौंसल इंजीनियरिंग, इस तरह सऊदी अरबिया का डिपार्टमेंट है दार इंजीनियरिंग, जो कि सबस्टेशनों या पावर प्लांट्स की जो है वो चेकिंग के लिए वहाँ पे सब कंट्रैक्टर या जितनी भी कंपनीज लगी होती हैं वहाँ पे जाके चेक करता है। इसके अलावा जो है अपना अहम काम से अंजाम देता है जो उसकी फील्ड के रिलेवेंट है। तो उसी कंपनी के अंदर दार इंजीनियरिंग के अंदर सीनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल चाहिए, सीनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल चाहिए, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल के अंदर होना चाहिए और एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। अगर आपके पास ये रिक्वायर, आपके पास डिप्लोमा और ये एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, ज़बरदस्त चांस है आपके पास, आप अप्लाई करें। और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने अप्लाई करना है नीचे मेल एड्रेस लिखा हुआ आपने जस्ट मेल कर देनी है। मेल करने के बाद इनको फ़ोन करके बता देना है। और अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हम फ़ोन करते हैं वो उठाते नहीं हैं। भाई, आप फ़ोन जो है ऑफिस टाइम पे किया करें, 10 बजे के बाद 3 बजे के दरमियान आप फ़ोन किया करें, और बीच के अंदर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक फ़ोन मत किया करें। आपने मेल कर देनी है CV और इनसे रابطہ करके इनको बोल देना है कि भाई हमने CV सेंड कर दी है इस पोस्ट के लिए, तो वो आपकी जो CV है उस पर जो है वो 7 दिन के अंदर जो भी आपका जो है वो रिप्लाई होगा आपको सेंड कर देंगे। और ये जो एजेंसी है इमाम ट्रेडिंग इस्लामाबाद ब्लू एरिया के अंदर एजेंसी है, पाकिस्तान की टॉप 1 एजेंसी है जो बग़ैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के, बग़ैर रिक्वायरमेंट चार्जेस के बिल्कुल फ्री में जो है वो वीज़ा प्रोवाइड करती है। मतलब जस्ट आपसे टिकट प्रोटेक्टर प्लस इंश्योरेंस वगैरह के पैसे लेती है। और इसके जो लिंक हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हैं, और बैरून ममालिक में जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनको अगर बैरून ममालिक से पाकिस्तान से कुछ अफराद की ज़रूरत होती है, इंजीनियर्स, डॉक्टर या किसी भी शोबा के अंदर, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी ज़रूरत हो, तो वो ज़्यादातर इमाम ट्रेडर्स, मतलब वो गवर्नमेंट से को जो है वो रिक्वेस्ट देते हैं, और गवर्नमेंट ज़्यादातर इस जो है वो जो एजेंसी इमाम ट्रेडिंग है इसको हायर करने के लिए बोलती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं इस एजेंसी पे या फिर किसी दूसरी एजेंसी पे जाते हैं कतर के लिए, किसी भी एजेंसी पे जाते हैं, तो वहाँ इस चैनल का नाम सदका जारी समय के शेयर करें। दोस्तों, आज की जो वीडियो थी यही मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।